समाज, जो वर्ग संपूर्ण रूप से इस बात को देखता है, विश्वास करता है कि किस नेतृत्व में पूरा राज्य, पूरा देश आगे बढ़ सकता है, संपूर्ण समाज उसी नेतृत्व के साथ चलना पसंद करता है। किसी एक कार्यक्रम में किसी के बयान से शायद कोई असर पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। कल पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परशुराम जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने यादव और भूमिहार समाज को एक होने की सलाह दी है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में शामिल होने को महज एक औपचारिकता बताया। उन्होंने कहा है कि वो एक राजनीतिक और सामाजिक आदमी है, इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा का जो कोर वोटर है, अपर कास्ट के लोग जो भाजपा को लगातार वोट करते आए हैं, क्या उसके खिसकने का डर है, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा को ऐसी किसी भी परिस्थिति की स्थिति का डर नहीं है, चूँकि भाजपा शुरू से ही A to Z और उनके सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। तेजस्वी यादव अब कितना भी मंच पर चढ़ कर माफ़ी मांगे, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको कोई भुला नहीं सकता। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो करते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ने की। देखिए, हम संपूर्ण समाज को एक सूत्र में देखते हैं और हमारे लिए संपूर्ण समाज एक जैसा है, सबकी महत्ता है, सबका महत्व है और समाज के सभी लोगों का हम सब लोग सम्मान करते हैं। और किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति को किसी कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो वो जाते होंगे, लेकिन जो समाज, जो वर्ग संपूर्ण रूप से इस बात को देखता है, विश्वास करता है कि किस नेतृत्व में पूरा राज्य, पूरा देश आगे बढ़ सकता है, संपूर्ण समाज उसी नेतृत्व के साथ चलना पसंद करता है। किसी एक कार्यक्रम में किसी के बयान से शायद कोई असर पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता। बीजेपी को कोर वोटर के खिसकने का कोई डर नहीं सता रहा है? नहीं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी लोगों की चिंता करती है, हम सभी वर्ग की चिंता करते हैं, हम सभी समाज के लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि हर वर्ग का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को कहते हैं हमेशा और हम लोग वही काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तेजस्वी यादव सर एक भरे मंच से एक खास जाति के लोगों से माफी मांग रहे हैं इन चीज़ों पे, नहीं कुछ।